नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, अब सरकार ने जो है ई पैन को भी मान्यता दे दी है, और ई पैन जो है आप घर बैठे ही जल्द से जल्द बना सकते हैं। भारत सरकार की जो आयकर विभाग की जो नई वेबसाइट है, जो अभी लॉन्च की गई है, उस पर यह ऑप्शन बड़ी आसानी से दिया गया है। हम आपको ये आयकर विभाग की वेबसाइट पर लेकर चलते हैं, और हम आपको यहाँ पर बताएंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप अपना ई पैन जो है आसानी से बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये वेबसाइट है भारत सरकार की, incometax.gov.in। इस पर जो है आप इनकम टैक्स से संबंधित सभी काम कर सकते हैं। हमने और भी काफ़ी सारे इसके वीडियोस बनाए हैं। आपको दोस्तों करना क्या होता है, इस वेबसाइट पर जो है आप ये देख रहे हैं, यहाँ से आप जो है स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ शो मोर आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही देखिए दोस्तों, एक ऑप्शन आ रहा है इंस्टेंट ई पेन। ये आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है इंस्टेंट ई पेन। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करते ही दोस्तों आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, क्योंकि अभी भी ये समस्या इस वेबसाइट में आ रही है, जो कि अभी तक इसका लॉजिक समझ नहीं आया है जो भी इनको बना रहे हैं। ऐसा इस वेबसाइट में क्या हुआ है अभी तक समझ में नहीं आया है कि ये इतना स्लोली वर्क कर रही है। और इसी कारण से दोस्तों, मैंने जो पैन कार्ड अप्लाई करके बनाया था, मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं, क्योंकि हम जो है यहाँ पर लाइव रिकॉर्डिंग करते हैं। हम कोई भी वॉइस ओवर वीडियो और ऑडियो वीडियो को बाद में मिक्स नहीं कर सकते हैं। जो भी होता है दोस्तों, हम लाइव करते हैं आपके आके। तो जब लाइव करने का टाइम होता है, तो हमने यहाँ पर उस प्रोसेस के स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, जो हम आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ चलने के बाद आप देख पा रहे होंगे, ये जो दो ऑप्शंस आपको दिखेंगे, यहीं से जो है आप इन पर जाने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है इजी एंड पेपरलेस प्रोसेस, गेट ई पेन विद इन 10 मिनट्स, होल्ड सेम वैल्यू एज फिजिकल पैन कार्ड। ये दोस्तों हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत सरकार की ये जो वेबसाइट है इनकम टैक्स की, ये खुद बोल रहे हैं कि जो फिजिकल पैन कार्ड जो कीमत रखता है, जो वैल्यू रखता है, अब वही कीमत जो है आपका ई पैन रखेगा, जो कि आप 10 मिनट में बना सकते हैं। और इसको जो है ऑल यू नीड इज आधार कार्ड एंड लिंक मोबाइल नंबर। आपको सिर्फ जरूरत पड़ने वाली है आपके आधार कार्ड की, और उससे जो मोबाइल नंबर लिंक है उसकी। उसके लिए दोस्तों करना क्या होता है, आपको यहाँ पर ऑप्शन में जाना होता है गेट न्यू ई पैन। यहाँ क्लिक करते ही आपको जो है अपना आधार कार्ड, 12 डिजिट का जो आधार कार्ड होता है, उसका नंबर यहाँ डालना होता है। पहले आप ये ऑप्शंस देख सकते हैं, ऊपर जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, एंटर आधार नंबर, इसके बाद ओटीपी वैलिडेशन, वैलिडेट आधार डिटेल्स, सिलेक्ट अपडेट एंड पैन डिटेल्स। अब ये मैं आपको बताऊंगा, आप यहाँ पर दोस्तों जैसे ही 12 डिजिट का नंबर डालेंगे, यहाँ आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपको ये जो कहा जा रहा है, नीचे आप ये देख सकते हैं, हर चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी होती है। इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड नहीं है। अगर आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड पाए जाते हैं, तो आप को जो है चार्ज लगेगा, और आपको 10,000 रुपये तक का जो है जुर्माना उसमें होता है। अब दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर 12 नंबर का डिजिट इंसर्ट करते हैं, तो इस तरीके से आपके आधार बेस्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाता है, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ आप जैसे ही ओटीपी को इंसर्ट करेंगे, इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही आपकी आधार डिटेल इस तरीके से जो है आपके सामने आ जाएगी, लिखा आ जाता है योर पर्सनल डेटा बेस्ड ऑन आधार EKYC। ये दोस्तों स्क्रीनशॉट बेस्ड वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं, क्योंकि ये जो है वेबसाइट बहुत ज़्यादा प्रोसेस ले रही है बनाने में, इसलिए आपको बेहतर तरीके से समझा सकें। ये जानकारी आएगी नीचे दोस्तों, ईमेल आईडी अगर आपका वेरीफाइड नहीं है, तो आप उसको वैलिडेट वेरीफाइड कर सकते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद एक ओटीपी आपके संबंधित ईमेल आईडी पर जाता है, और वहां से आप जो है इसको वैलिडेट कर सकते हैं। नीचे कुछ ये स्टेप और दिए होते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस। यहां भी आप एक्सेप्ट करते हैं दोस्तों, तो एक्सेप्ट आप वही कर रहे हैं कि मेरे पास एक से ज़्यादा पैन कार्ड नहीं है। अगर पैन कार्ड पाया गया, तो मेरे को जो है 10,000 रुपये तक की पेनल्टी होगी अंडर सेक्शन 272B क्लॉज ए में। तो दोस्तों, इसी के साथ हम जब यहाँ कंटिन्यू कर देते हैं,
कंटिन्यू करते ही ये देखिए एक इस तरीके से लिखा आ जाता है, आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पर ई पेन की जो है सबमिट हो जाती है, आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाता है। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर आपके आधार के स्टेटस को ट्रैक करने के लिए और पेन को डाउनलोड करने के लिए काम आता है। तो इसको आप कहीं पर सेव कर कॉपी कर रख लें। इस तरीके से दोस्तों ये चारों स्टेप पूरी हो जाती हैं, और जब ये चारों स्टेप पूरी हो जाती हैं तो कहा यह गया है कि इंस्टेंट 10 मिनट में ये जो बना देते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे केस में ऐसा नहीं है, मेरे केस में मैं आपको बता देता हूँ, जब मैंने ये अप्लाई किया तो जब आपको ये कह सकते हैं कि जब डाउनलोड किया जाता है, स्टेटस चेक किया जाता है, यहाँ पर कहा जाता है कि आप एक घंटे के बाद जो है विजिट करें। तो जब आप यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपको यहाँ 12 नंबर का आधार कार्ड डालना होता है। आधार कार्ड डालने के बाद वही OTP आता है आपके मोबाइल नंबर पर, और यहाँ पर आप जो स्टेटस चेक कर सकते हैं। जब मैंने तत्काल ये किया था उसके एक घंटे बाद, तो एक घंटे के बाद दोस्तों यहाँ पर ये आ रहा था, करंट स्टेटस ऑफ योर न्यू ईपेन रिक्वेस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें लिखा भी हुआ है अंग्रेजी में, वी आर वैलिडेटिंग योर डिटेल्स, प्लीज चेक आफ्टर अ आवर। एक घंटे बाद, दो घंटे बाद, तीन घंटे बाद मैंने ये देखा, लेकिन ये करेक्ट 8 घंटे बाद जो है इस आधार को इससे लिंक करने के बाद, इसकी जानकारी जुटाने के बाद ईपेन को जो है तैयार किया गया। और यहाँ पर दोस्तों दो ऑप्शन आ जाते हैं जैसे ही वैलिड कर दिया जाता है, पहला आता है व्यू योर पैन कार्ड और दूसरा आता है डाउनलोड योर पैन कार्ड। तो दोस्तों डाउनलोड करते ही मैं आपको वो सैंपल भी बता देता हूँ, जब आप पैन कार्ड को डाउनलोड करते हैं तो ये देखिए इस तरीके का आयकर विभाग का ये परमानेंट अकाउंट नंबर, नाम, जन्मतिथि, लिंग और आधार संख्या आपकी ये आधार से उठा ली जाती है। इसी के साथ फ़ोटो भी आपके आधार कार्ड का उठाया जाता है। यहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड लिखा आ रहा है क्योंकि ये ई साइंड होता है आधार से। नीचे दोस्तों और जो जानकारी आ रही है, ये इस तरीके का आप आधार देख सकते हैं आपका पैन कार्ड, और यही पैन कार्ड आप जो है फिजिकली तरीके से आपके परमानेंट एड्रेस पर इसको जो है मंगा भी सकते हैं, और ये कुछ जानकारियां लिखी हुई हैं। तो दोस्तों ये ई पैन कार्ड तुरंत जब 8 घंटे बाद डाउनलोड होता है तो ये पूरी तरीके से जो फिजिकल आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके मान्यता रखते हैं उसी तरीके से ये ई पैन कार्ड भी पूरी मान्यता रखता है। इसके बाद दोस्तों NSDL और UTI वेबसाइट पर जाने के बाद आप अगर चाहते हैं कि आपका फ़ोटो जो आधार कार्ड बेस्ड है और यहाँ पर जो सिग्नेचर नहीं होते हैं वो दोनों भी आप इजीली चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो भी हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। लेकिन अभी अगर उनकी ज़रूरत भी नहीं है और आपको कहीं पर इंस्टेंट पैन कार्ड की ज़रूरत है तो आप इस ई पैन कार्ड से भी काम चला सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो, ये ई पैन कार्ड बनाने की विधि समझ आई होगी। आप वीडियो को एक बार और देख सकते हैं क्योंकि ये 15-20 मिनट का वीडियो बन जाता अगर हम आपको जो है इसका लाइव डेमो देते, लेकिन हम आपको बता रहे हैं हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो तत्काल रिकॉर्ड हो रही होती है, कोई भी वॉइस ओवर और ऑडियो मिक्सिंग बाद में नहीं होती है। तो दोस्तों अगर आपको और आपके दोस्तों को भी ई पैन कार्ड बनाना है, इसके बाद उसे फिजिकली कैसे मंगाना है ये अगर जानना है तो आप ये वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।